दोगुनी की है, एम्स की संख्या तीन गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिक पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है। हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने हैं, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है, मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन यह भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमामंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को
बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यक्रम में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जिसे उखाड़ फेंकने का होगा। भाई और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है, सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़ी कैसे रहता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, हम पुनिष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत ही कसौटी होनी चाहिए, हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद, नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है। मैं हमारे अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, संगठन की केंद्र की टीम, संगठन की राज्यों की टीम, जिले की टीम, मंडल की टीम, बूथ लेवल की कमेटी हो या पन्ना प्रमुख, नड्डा जी के नेतृत्व में अनेक चुनौतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ, जिस समर्पण भाव से
राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एनडीए को विजय दिलाई है, वे सबके सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आज देशवासियों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है, एनडीए पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं 140 करोड़ देशवासियों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे एनडीए के सभी साथ का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के महान लोकतंत्र को, महान संविधान को फिर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।